किस फिल्म से आगे निकली खिलाड़ी, कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा फिल्म खिलाड़ी ने, क्या खिलाड़ी निकली फिल्म ट्रैक से भी आगे, खिलाड़ी फिल्म क्यों बनी रवि तेजा के लिए खास। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इंडिया के मास महाराजा रवि तेजा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ले ली है और इनकी ये एंट्री हुई है फिल्म खिलाड़ी से, जिसने अपनी रिलीज के पहले ही दिन 7 करोड़ जैसी अच्छी कमाई की है। फिल्म खिलाड़ी ने रवि तेजा के करियर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि खिलाड़ी अब वो फिल्म बन चुकी है जिसने रवि तेजा की पूरी एक्टिंग करियर में सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन किया है। इससे पहले जब मास महाराजा की फिल्म क्रैक रिलीज हुई थी, तब इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन था 6.5 करोड़, जिसके कारण अब तक फिल्म क्रैक टॉप पर थी। इस फिल्म में रवि तेजा को एक्ट्रेस श्रुति हासन के साथ देखा गया था। वहीं अब फिल्म खिलाड़ी ने क्रैक को पीछे छोड़ते हुए अपनी नई जगह बना ली। वैसे कमाई के मामले में भले ही फिल्म खिलाड़ी आगे निकल गई हो, लेकिन पसंद के मामले में आज भी फिल्म क्रैक ही सबसे आगे है, क्योंकि ऑडियंस की माने तो उन्हें फिल्म खिलाड़ी पसंद तो आई, लेकिन अगर उन्हें फिल्म क्रैक और खिलाड़ी के बीच चुनना पड़े तो वो फिल्म क्रैक को ही चुनेंगे। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है रवि तेजा का सिंगल शो, क्योंकि फिल्म क्रैक में वो अपने एक ही रोल में स्क्रीन पर छा गए थे, लेकिन फिल्म खिलाड़ी में उनके डबल रोल ने कई लोगों को कन्फ्यूज कर दिया है। जिसे फिल्म समझ आई उन्हें फिल्म खिलाड़ी अच्छी लगी, लेकिन जिन्हें ये फिल्म कंफ्यूजिंग लगा तो वो इस फिल्म रवि तेजा की बेस्ट फिल्मों में शामिल नहीं कर पाए। अब ये तो हमारी ऑडियंस का नजरिया है, लेकिन अभी तो फिल्म रिलीज ही हुई है, इसीलिए इस फिल्म का टोटल कलेक्शन जानने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। आगे बात करें तो फिल्म की खिलाड़ी 11 फरवरी को रिलीज की जा चुकी है और रिलीज के पहले दिन थिएटर्स में अच्छी खासी ऑडियंस देखने को मिली थी। इस एक्शन थ्रिलर को जहां एक तरफ फिल्म को रमेश वर्मा ने डायरेक्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर जयंती लाल गाड़ा है। इस फिल्म में रवि तेजा ने डबल रोल प्ले किया है, जिसमें उनका साथ दिया है डिंपल हयाती और मीनाक्षी चौधरी ने। तो आप लोग बताएं कि क्या आप सभी ने ये फिल्म देखी, और अगर देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही कुछ और नई फिल्मों की अपडेट जानने के लिए फॉलो करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।